ये कहा गया कि ए इज फादर ऑफ बी, तो अब हम इसको डायग्राम को बनाएंगे कैसे, ए इज फादर ऑफ बी, ए बी का पिता है, तो जो भी बी होगा बी से एक जनरेशन ऊपर उसका पिता होगा मतलब ए, और ए मेल होगा क्योंकि फादर है तो उसको हम बॉक्स में रखेंगे, तो इसका मतलब हो गया कि ए बी का पिता है। अगर हम कहें सी बी की पत्नी है, तो अब सी बी की पत्नी है इसका मतलब कि बी की पत्नी है सी, तो हम यहां पर प्लस लगा देंगे सी और सी को फीमेल कर देंगे तो सर्कल बना देंगे क्योंकि वो फीमेल है, और तो ये मेल हो गया तो कंफर्म हो गया, ये डायग्राम ऐसे बन गया। ठीक है, कोई दिक्कत? अब हम कह दें डी सी का पुत्र है, तो डी सी का पुत्र है मतलब डी इन दोनों का पुत्र है, तो मेल हुआ तो बी का भी तो हुआ पुत्र है, तो बी उसके पिता हो गए और सी उसकी माता हो गई, ये इस तरह से है, समझिए सब लोग। तो हम लोग टाइप वन लेके चलेंगे, पहला पजल फॉर्म। ठीक है, क्वेश्चन है इन अ फैमिली ए इज the husband of B, C is a son of A, D is a daughter of B, F is a daughter of G, C is the father of A। एक परिवार है, उसमें A B का पति है, C A का पुत्र है, D B की पुत्री है, F is daughter of G, F G की daughter है, और C is the father of A, C A का पिता है। आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं। A का F से क्या संबंध है? सी का बी से क्या संबंध है? जी का बी से क्या संबंध है? ठीक है, तो पहले हम लोग ट्री डायग्राम बना के देखते हैं। ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, देखो ए हस्बैंड है बी का, तो ए पति हो गया, बी पत्नी हो गई, मैरिड कपल है तो प्लस हो गया। सी इज अ सन ऑफ ए, सी ए का पुत्र है तो सी ए का पुत्र हो गया। डी इज डॉटर ऑफ बी, डी बी की पुत्री है। एफ इज अ डॉटर ऑफ जी, अब जी तो यहाँ है नहीं, लेकिन सी इज द फादर ऑफ ए, अब सी ए नहीं, सॉरी सी इज द फादर ऑफ एफ, यहाँ पे एफ हो गया क्योंकि यहाँ पर भी वही चीज है ना, तो सी इज फादर ऑफ एफ, तो सी जो है वो पिता है एफ का, लेकिन अभी जेंडर पता नहीं है तो पहले हम देखेंगे सी इज फादर ऑफ एफ। लेकिन जब ये लाइन पढ़ेंगे एफ इज अ डॉटर ऑफ जी, तो अगर सी उसका पिता है कहीं ना कहीं जी जो है उसकी माता हो क्योंकि वो उसकी पुत्री होगी, ये बनेगा ट्री डायग्राम। अब ए का एफ से क्या संबंध है, तो ए के बारे में बताना है, ए का एफ से क्या संबंध है, तो ए का एफ से क्या संबंध है, दादा है। सी का बी से क्या संबंध है, सी का बी से क्या संबंध है, सी पुत्र है। और जी का बी से क्या संबंध है, जी का बी से बहू है।
सेकंड एक परिवार में बीसी का पुत्र है लेकिन सी बी की मां नहीं है। ए और सी विवाहित जोड़े, एफ ए का भाई है, डी ई का भाई है। ई ए की पुत्री है। तो आपको क्वेश्चन बताना है कितने पुरुष हैं, और दूसरा एक एक कुल कितने बच्चे हैं। बी की माँ कौन है, एक परिवार है उसमें बी सी का पुत्र है, बी जो है वो पुत्र है सी का, लेकिन सी बी की मां नहीं है तो वो उसका पिता हुआ, ठीक है। ए और सी विवाहित जोड़े हैं तो ए उसकी पत्नी हुई, एफ का भाई है, एफ ए का भाई है, तो एफ जो है वो ए का भाई है, ई e का भाई है, ई ए की पुत्री है, तो ई पुत्री है और डी इसका भाई, ये आपस में भाई बहन हो गए। कितने परिवार में मेल है, एक दो तीन चार, ए के कुल कितने बच्चे हैं, तीन, बी की माँ कौन है, ए, ओके, क्वेश्चन नंबर थ्री, ए बी का भाई है, ई ए का पिता है, डी ई का भाई है, ई बी की पुत्री है, ए बी का भाई है ना, सी ए का पिता है, डी ई का भाई है, ई बी की पुत्री है, लेकिन बी का जेंडर नहीं डिफाइन है, देखो तो उसने बोला था बस ए बी का भाई है, अभी लड़की भी हो सकती है, बात को बताना है कि बी का डी से क्या संबंध है, बी का डी से क्या संबंध है, माता या पिता में से कोई भी हो सकता है, डी का अंकल कौन है, डी का अंकल ए, या तो चाचा होगा या तो मामा होगा, तो क्या अगर बी लड़की हुई तो मम्मी हो गई उसके, अभी अगर पिता हुआ तो ए उसका भाई हो जाएगा।
एबी का पैटर्नल अंकल है। जो सी की पुत्री है, सी बी की डॉटर इन लॉ, क्यू ए का पिता है, तो क्वेश्चन बताना है ई का क्यू से क्या संबंध है। चलो, ए बी का पैटर्नल अंकल है, पैटर्नल अंकल मतलब पिता की तरफ से, तो ए बी का पैटर्नल अंकल मतलब बी के पिताजी होंगे और उसके भाई जो है वो ए, मतलब एक प्रकार से चाचा। जो सी की पुत्री है, जो किसके लिए आया है, बी के लिए, तो बी सी की पुत्री है, मतलब यहाँ तो ये सी इसकी माँ होगी और ये इसकी पत्नी हो गई। सी पी के डॉटर इन लॉ, सी पी के डॉटर इन लॉ मतलब इनके माँ, और क्यू ए का पिता है। के भाई भाई है ना, तो पी का क्यू से क्या संबंध है, पी पत्नी है, तो आई होप कि आपको पजल फॉर्म समझ में आ रहा है। ट्री डायग्राम बनाना होगा, ठीक है। दूसरा टाइप देखते हैं, कोडेड फॉर्म। P क्रॉस Q का मतलब है P Q का पिता है, P डिवाइड Q का मतलब है P Q की पुत्री है, P प्लस Q का मतलब है क्योंकि बहन है, पी माइनस क्यू का मतलब है क्यू का पति। तो पी क्रॉस टी प्लस एच डिवाइड एफ, एफ का पी से क्या संबंध है। ठीक है, देखिए कैसे करना है। पहले साइन का मतलब पता करना होगा, तो इन दोनों का जो दो दो लेटर लेकर के जो साइन है उनको पता करिए। क्रॉस लगा है, क्रॉस का मतलब पिता है, तो यहाँ पिता लिख लो, मतलब पी डी का पिता, पी डी का पिता। अब डी और एच का देखिए, तो डी और एच के बीच प्लस लगा है, बहन, तो डी एच की बहन है, डी बहन है एच की। अब एच और एफ में डिवाइड लगा है, पुत्री, एच पुत्री है एफ की, एच पुत्री है एफ की, ये शादीशुदा जोड़े हो गए, तो एफ का बी से क्या संबंध है, एफ पत्नी है बी की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सेम वही पैटर्न वो रहेगा, इंस्ट्रक्शंस यही हैं, इसी के लिए सेकेंड क्वेश्चन। जी माइनस आर प्लस पी डिवाइड टी, जी का टी से क्या संबंध है।
जरा पहले समझते हैं इसको। जी माइनस आर का मतलब क्या? माइनस का मतलब पति है। जी प्लस पी, प्लस का मतलब बहन है, और पी डिवाइड टी इसका मतलब पुत्री है। डायग्राम बना दीजिए। जी पति है आर का, आर बहन है पी की, पी पुत्री है टी की। ठीक है, जी का टी से क्या संबंध है? जी का टी से क्या संबंध है? तो जी का टी से क्या संबंध? दामाद है। दामाद होगा। पी डॉलर क्यू, पी क्यू की मां है। पी क्यू का पिता है। पी क्यू का पति है। पी क्यू को पति है। क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। Which of the following expression means C is grandson of A? A dollar B, hashtag C, percentage D, A dollar B, hashtag C, at the date, C dollar B, hashtag A, at the date D, A dollar B, dollar D, hashtag C, at the date E. आपको बताना which of following expression means C is grandson of A. C is grandson of A. ठीक है? कैसे करेंगे? देखिए समझिए, सी ग्रैंडसन होगा, सी इज ग्रैंडसन ऑफ ए, तो सी अगर ग्रैंडसन है तो सी मेल होगा। मेल के लिए साइन कौन कौन से हैं? तो मेल के लिए साइन होगा पिता का, पति का, अतः सी के बाद हैशटैग या एट द डेट का साइन आना चाहिए। तो वो ऑप्शन जिसके में सी के बाद ये नहीं आ रहा वो अपने आप गलत हो जाएगा। तो सी के बाद ये गलत हो गया, ये हो सकता है।
गलत हो गया, सी के बाद एट द रेट, ये हो सकता है। तो दो ऑप्शन तो कैंसिल हो गए, कोई एक सॉल्व कर लो। अगर ये सही है तो चौथा गलत हो जाएगा, अगर ये गलत है तो चौथा सही हो जाएगा। देखिए अब इसको बनाइए, ए डॉलर बी हैशटैग सी एट द रेट, इसका मतलब ए और बी के बीच डॉलर लगा है, तो डॉलर का मतलब क्या होता है मांग, बी और सी के बीच यहां डी होगा ना, तो इन दोनों के बीच ये माँ है और हैशटैग का मतलब क्या है पिता है, पति। सॉल्व करिए, ए माँ है बी की, बी पिता है सी का, और सी पति है बी की, तो सी इज ग्रैंडसन ऑफ ए, सी इज ग्रैंडसन ऑफ ए, करेक्ट है, बिल्कुल यही सही। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आई डिवाइड एस, तो मतलब आई एस की बहन है, आई क्रॉस एस, आई एस का भाई है, आई माइनस एस, आई एस की माँ, आई प्लस एस, आई एस का पिता है, तो इस कथन से स्पष्ट होता है कि जे क्यू का मामा है। जे क्यू का मामा, जे को अगर मामा बनना है तो इसकी कोई बहन होगी, उसका बेटा क्यू होगा, तो ठीक है, तो भाई वाला क्रॉस आएगा, तो माँ वाला माइनस, तो क्रॉस के बाद माइनस वाला सही है, सी वाला, सी ऑप्शन इज करेक्ट। कोडिंग फॉर्म क्लियर हुआ सबको? टाइप थ्री जो पॉइंटिंग फॉर्म होता है इसका, किसी तस्वीर की ओर इशारा करके बताना पड़ता है कि वो सामने कौन है, ठीक है, एक औरत की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है वह मेरे पुत्र के दादा की पत्नी की पुत्री है, हाउ इज वुमेन्स फादर रिलेटेड टू मैन,
सकते हैं। एक औरत की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, वो आदमी क्या बोल रहा है कि वह जो है औरत जो है वो मेरे पुत्र के दादा की पत्नी की पुत्री है। तो देखो ध्यान से कौन बोल रहा है, आदमी बोल रहा है। तो मैन कहता है वह जो है वो मेरे पुत्र, तो इसका पुत्र हो गया, मेरे पुत्र तो इसका पुत्र है कोई के दादा, तो दादा मतलब इसके पिताजी की पत्नी की पुत्री, यही वुमेन। हाउ इज वुमेन्स फादर रिलेटेड टू मैन, फादर ही होंगे। तो वुमेन के पिता का मैं भाई बहन होगा ना, भाई बहन होगा, ये भाई बहन पिता है। समझ में आ गया सबको पॉइंटिंग फॉर्म। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, पॉइंटिंग टू अ मैन अ वुमेन सेज, मेरे पुत्र के पिता की माँ के पति हैं। हाउ इज वुमेन्स हस्बैंड रिलेटेड टू मैन। Pointing to a man, a woman says, वह मेरे पुत्र के पिता की माँ के पति हैं। औरत कह रही है, ठीक है ना? तो woman says, वह मेरे पुत्र, जिसका एक पुत्र है, के पिता, मतलब इसका पति की माँ के पति हैं। ये है वो man। How is woman's husband related to man, woman husband, बेटा होगा उसका, son। एक महिला की ओर इशारा करते हुए विमल ने कहा, वह मेरी पत्नी के ग्रैंडफादर के इकलौते बच्चे की इकलौती पुत्री वह मेरी पत्नी के ग्रैंडफादर के इकलौते बच्चे की इकलौती पुत्री हैं। महिला विमल से कैसे संबंधित है? तो विमल कह रहा है ना, विमल वह मेरी पत्नी, तो विमल की पत्नी के ग्रैंडफादर, इसके पिता के पिता एक लौते बच्चे, मतलब ये एक लौती पुत्री, मतलब वो महिला खुद, महिला विमल से संबंधित है, पत्नी। तो आई होप तो आपको टाइप, तीनों टाइप आपको समझ में आए, जो तीन टाइप होते हैं हमारे ब्लड रिलेशन में, पजल फॉर्म, कोडेड फॉर्म और पॉइंटिंग फॉर्म, कैसे उसको सॉल्व करना होता है। अब इसमें केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रह गए हैं करने के लिए ना, बाकी सब लॉजिक बता दिया हमने कैसे सॉल्व करना होता है। ओके,
चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट, तब तक के लिए थैंक यू। आप लोग दिवाली अच्छे से मनाइए, हैप्पी दिवाली सभी को।